क्या हाल है दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नई कला लेके आई हूँ और इस आर्ट स्टाइल का नाम है डॉट पेंटिंग। अब डॉट के तो मतलब आपको पता ही होंगे, ये होता है एक बारीक सा एक चीज़ को डॉट लगाना है आपने, ठीक है। तो ये गोली सी जौन सी आपने लगानी है, ये बेशक आप उंगली की चौड़ाई से ले लो, आप आगे से पॉइंटेड एजेस से ले लो, पर ये जौन सा है आगे आप देखोगे कि इसका जौन सा है ये थोड़ा चौड़ा है। तो ये जौन सा अगर आप इसको पेंट में लगाओगे, फिर उसके ऊपर लगाओगे कहीं पे भी, तो फिर उसके साथ क्या होगा, आपका डॉट बड़ा बन जाएगा। अगर आप इसको कोई पॉइंटेड चीज़ के साथ लगाओगे किसी चीज़ पे, तो फिर वो वाला जौन सा है आपका डॉट पतला होगा। तो ये जौन से डॉट्स के भी आर्ट स्टाइल हैं। ये जौन से हैं कोई बड़े स्टाइल, कोई पतले स्टाइल, कोई छोटे स्टाइल, कोई मोटे स्टाइल। ये जौन से हैं, ये अलग अलग प्रकार से आप इनको अब किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो एक कला अपने ड्राइंग जो आपने बनानी है उसके लिए। चलो आज हम उसकी बात करते हैं। अब डॉट पेंटिंग की मैं आपको पहले थोड़ी सी एग्जांपल्स देती हूँ। ये देखिए, ये डॉट्स के साथ बनी हुई है, फ्लावर्स बने हुए हैं। आप देखिए इनके अंदर ऑलमोस्ट सेम है तकरीबन, ये वाले यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, थोड़े से कम है, बाकी ये वाले डॉट्स ऑलमोस्ट सेम है, जिसके साथ ये वाला एक 1/4 साइज ऑफ एरिया ऑफ अ फ्लावर बना हुआ है। अब एक और आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। अब इसके अंदर ये देखिए, ये स्टाइल जौन सा है बाहर वाला जौन सा है, ये गुरु तेग बहादुर जी की बनी हुई है, और इसके अंदर ये पोर्ट्रेट देखिए कि इसमें बारीकी का काम करा हुआ है, बारीक डॉट्स बने हुए हैं, कहीं पे थोड़े मोटे, और क्योंकि ये शेडेड इफेक्ट आपने देना है किसी तरह का, तो फिर ये उसी तरीके से आपने इसको इफेक्ट्स देने के लिए कोई बड़ा कोई छोटा कोई उस तरीके से बनाना है। अब एक और आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये भी एक शेर की आंख बनी हुई है, जिसके अंदर बड़ा छोटा हर प्रकार के, ये भी आपको क्योंकि इफेक्ट्स आपने किस तरीके के देने हैं उसी तरह का ये आपको डॉट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इसके लिए हमें चाहिए क्या, आपने डॉट्स कई बारी कैनवास के ऊपर बनाने होंगे, कई बारी किसी पेपर पे बनाने हैं, तो या किसी कपड़े पे बनाने हैं, तो इनके लिए मेनली इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ये वाले जो मार्केट में मिलते हैं बड़े डॉट्स को लगाने के लिए। ये देखिए, उससे छोटा डॉट लगाना है, बारीक डॉट्स लगाने हैं आपने, ये वाला बना हुआ है, ये बना हुआ है इसका पॉइंटेड एज, फिर इस साइज का आता है ये देखिए। फिर उसके बाद अगर ये चीज़ें आपके पास हैंड इन हैंड ना हो, तो आप ये ईयरबड्स को भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर ये एक टूथपिक, इसके भी पॉइंटेड एज है ये देखिए, और एक साइड से ये वाला जौन सा है थोड़ा चौड़ा है, तो ये वाला जौन सा है एरियाज, तो ये आप सारे देखेंगे कि इन सभी के अंदर डॉट्स का साइज डिफरेंट है। ये वाला देखिए, सभी के अंदर डॉट्स जौन से होंगे, आप इनको कलर्स में डिप करेंगे तो वो अलग तरीके का आपका बनेगा। अब अगर हमने इसको स्टार्ट करना है, तो ये वाली इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद आपको एक पेपर नैपकिन चाहिए, ये क्योंकि पानी का इस्तेमाल इसमें जितना कम करा जा सके वो आपके लिए बेस्ट है। फिर आपको एक्रिलिक पेंट्स चाहिए, डिफरेंट कलर्स के आपके पास एक्रिलिक पेंट्स हों, जैसा आपने, पर ये डिपेंड करता है आपने डिज़ाइन किस चीज़ का बनाना है, सो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास ये एक्रिलिक ट्यूब्स, कोई बड़ी कोई छोटी, ये किसी तरह का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आपको एक प्लेट चाहिए जिसके ऊपर आपने ये वाले पेंट्स निकालने हैं। अब ये स्टार्टिंग आपने अब किस तरीके से करनी है, मैंने अपना बेस जौन सा है ये तैयार कर लिया कैनवस का, मैं कैनवस के ऊपर करके आपको दिखाने लगी हूँ। इसके लिए मेरे को अब, मैं अगर एक फ्लावर बनाना चाहूँ, तो मैंने ये पेंट अपना निकाल लिया, इसके अंदर अलग अलग पेंट्स अपने जौन से हैं थोड़े थोड़े मैंने निकाले हैं इसको। फिर उसके बाद ये देखिए, ये ग्रीन कलर थोड़ा सा उसका बाहर आउटलाइन आपको बनानी है अगर, फिर क्योंकि ये सारे वेरी करता रहता है, आपको साथ में ये भी ज़रूरत नहीं होती कि आपने सेम उसके ही तरीके के उसी जगह के आपने कलर शेड्स ही लेने हैं। ये देखिए मेरे पास अब ये कलर्स हैं,
ठीक है। तो मैं अब इसको स्टार्ट कैसे करने लगी हूँ, मैंने अब सेंटर में अगर सोचा कि मैं सबसे बड़ा ये वाला डॉट रखने लगी हूँ, तो ये लगाना मैंने है जौन सा, एक चीज़ का ध्यान रखो, या तो होता है कि बिल्कुल आप स्टार्टिंग में बड़ा डॉट लगाइए, या फिर उसकी जगह छोड़िए और उसका आउटलाइन यहाँ पे पेंसिल के साथ करके फिर वो बाद में लगाना चाहिए। मैं अगर इसको पहले करती हूँ, ये देखिए मैंने डिप करा इसके अंदर, मैं ये देखिए ये डिप करा इसको, इसका पॉइंटेड लिया मैंने, इसके अंदर आपको अब यूटिलाइज कैसे करना है, इनको आपने स्ट्रेट लगाना है, बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ के ऐसे एक डॉट लगा दिया, ये देखिए। सो ये डॉट्स जो से हैं आपके इस तरीके से बनते हैं। अब इसी के साथ अगर मैं ये मेरे पास बाय चांस अगर इंस्ट्रूमेंट दूसरे ना हो, तो मैं इसी के साथ आप देखेंगे तो मैं एक छोटा डॉट भी लगा सकती हूँ। ये मैंने इसके अंदर डिप करा और ये देखें, मैं इसको कम प्रेस करूंगी, ज्यादा प्रेस करूंगी, ये देखिए डॉट्स की वेरिएशन उसी तरह आ रही है ना ये वाली। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आप इसको यूटिलाइज करते समय कितनी डिपिंग आप देते हो। जब एक बार ही आपने दो बार ही इसके इस्तेमाल कर लिया तो इसको रब करना जरूरी है, क्योंकि एक्रिलिक पेंट्स मोस्टली सूख जाते हैं। अब उसके बाद अगर मैं पॉइंटेड एज को यूज़ करूँ, तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट मैं यूज़ करने लगी हूँ। अब इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते समय भी मेरे को यहाँ पे डिप करके, ये देखिए ये आपको कलर्स पता लगे, ये जोन से हैं एक एरिया में आपने लगाना है, आपने सारे एरिया में स्प्रेड करके लगाना है, आपने कोई पर्टिकुलर चीज़ बनानी है, तो ये उस पे भी डिपेंड करता है। अब ये वाला इंस्ट्रूमेंट मैं यूज़ करने लगी हूँ। सो इस इंस्ट्रूमेंट के लिए आप लोग देखो कि मैंने वो वाला डॉट तो आपको बड़े के साथ लगा के दिखा ही दिया, पर अब जोन सा होगा कि मैं इसी के साथ ही इसी के साइज़ का ये लगाने लगी हूँ, ये देखिए उसी साइज का आया ये, क्योंकि ये वाले जो हमसे दो डॉट्स थे ये मैंने इसके साथ लगाए, एक ये वाला डॉट और एक उसके साथ वाला डॉट। तो ये जो सा है ये वेरिएशन इसके अंदर आएगी। अब मैंने अपने पास अगर देखा कि मेरे पास ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, तो मैं अब अगर ईयरबड को यूज़ करूँगी तो फिर वो कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब ये जो सी ईयरबड है, ये मेनली जब स्टार्टिंग होती है ये छोटे बच्चों के लिए, तो ये वाला इस्तेमाल करते हैं ये ईयरबड्स। ईयरबड्स क्योंकि काफ़ी सेफ होते हैं, ना इनके साथ बच्चों को कोई हानि होती है, ना इसके साथ कोई बच्चों को नुकसान उस तरीके से आता है कि ये चुप जाए या वो मुंह में डाल लें कुछ कर लें। ये देखो इसके अंदर भी मैंने ये डिपिंग करी और ये लगाया, जितना इसके अंदर भी इसको जोर से लगाओगे ये इसके भी डॉट्स छोटे बड़े देखिए ग्रीन कलर के साथ इसके लगे ये दो डॉट्स। सो इसके अंदर जौन सा है मैंने ये इस्तेमाल करा, इसको वाइप आउट करना हर बारी बहुत ज़रूरी है। फिर अब मेरी बारी आती है टूथपिक की। अब टूथपिक को मैंने जब इस्तेमाल करा तो इसके देखिए ये थोड़ा चौड़ा एज है और ये पॉइंटेड एज है। अब मैं पॉइंटेड एज के साथ ये देखो डॉट लगाने लगी हूँ, ये देखिए लगाते लगाते जौन सा होगा, एक बारी डिप देना है आपने, एक बारी लगाना है, एक बारी डिप देना है, एक बारी लगाना है। क्यों? क्योंकि इसका पॉइंटेड एज जौन सा है वो कम, बहुत ही कम होता है, तो उसकी वजह से आपको जब ये पॉइंटेड एज के साथ लगाओगे पेंट इसके साथ जौन सा होगा हर बारी यूटिलाइज हो जाता है। ये देखिए इसके जौन से डॉट्स और भी कम है, और भी छोटे डॉट्स हैं ये वाले। और ये इसके बाद अगर आपने कोई अपने लिए कोई डिजाइनिंग और करनी है, तो आप एक पॉइंटेड एज के लिए आप एक टूथपिक के बाद एक पेपर पिन के साथ भी कर सकते हैं ये वाला। अब इसका जो सा चौड़ा एज है ये टूथपिक का, उसके लिए भी मैंने ये पेंट लिया और ये ग्रीन कलर के साथ मैंने इधर ये देखिए आपको लगा के दिखा दिया। सो ये जो आपको सारी टेक्निक मैंने बताई है, ये वाला जो सा है ये हाउ टू यूटिलाइज द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेकिंग अ डॉट,
इस चीज़ के बारे में आपको आज मैंने ये दी है जानकारी। और ये जौन से है, आपको देखिए कि इसके साथ अलग अलग प्रकार के आप डिज़ाइंस यूज़ कर सकते हो, अपनी ड्राइंग्स बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्रश की ज़रूरत है, सिर्फ अगर ब्रश की ज़रूरत पड़ती है तो आप कलर बेस बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है, और अब इसके बाद आपको पेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो आपको चाहिए कि कम्बिनेशन आप कैसा बनाना चाहते हो, नहीं तो अगर आपका कॉम्बिनेशन नहीं तो मल्टी कलर्ड अपना बना लोगे तो उसके साथ भी इफेक्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। अब ये बच्चों के लिए, ये छोटे छोटे 3 साल से बच्चों के लेके सीनियर सिटीजन्स, इवन मेंटली डिसेबल्ड बच्चे वो भी कर लेते हैं। सो मेरा ख्याल है आज आपको ये जानकारी भी बहुत अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच, फिर अगली मुलाकात के लिए रेडी रहिए। थैंक यू सो मच।